आईपीएल 2023 में आज पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगा। लगातार दो मैचों में मिली करारी हार के बाद पंजाब किंग्स की निगाहें जीत की पटरी पर लौटने पर होंगी। लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ होने वाले इस मैच में हमें पीबी के टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन की टीम में वापसी हो सकती है, वहीं कागिसो रबाडा की जगह एक बार फिर टीम नेथन एलिस पर भरोसा दिखा सकती है। 3 दिनों के अंदर ये पीबी के का दूसरा मैच है, ऐसे में टीम रबाडा को आराम दे सकती है। दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन को खेलने को लेकर अभी सवाल है। लियाम लिविंगस्टन 12 अप्रैल को टीम के साथ जुड़ गए थे और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात के खिलाफ प्लेइंग 11 में उनको मौका मिल सकता है, लेकिन लियाम लिविंगस्टन को गुजरात के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। मैच के बाद शिखर धवन ने बताया कि लियाम लिविंगस्टन को मांसपेशियों में खिंचाव के चलते आराम दिया गया था। अगले 3 से 4 दिनों में वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। अब देखना होगा क्या उनको आज लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं। लियाम लिविंगस्टन का ना खेलना पंजाब किंग्स के लिए बड़ा झटका होगा। लियाम लिविंगस्टन के बिना पीबीकेएस के मिडिल ऑर्डर में वो गहराई नजर नहीं आ रही। मैट शॉट, भानुका राजपक्षे और जितेश शर्मा बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो रहे, जिसके चलते टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में आज लियाम लिविंगस्टन का खेलना पीबीकेएस के लिए जरूरी होगा। अगर लियाम लिविंगस्टन पहले से फिट है तो आज उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलना लगभग तय है। कप्तान शिखर धवन भी अच्छी तरह जानते हैं कि लियाम लिविंगस्टन टीम के लिए कितने जरूरी है। दोस्तों, जितना संभव हो सके पीबीकेएस टीम मैनेजमेंट लियाम लिविंगस्टन को आज लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ प्लेइंग 11 में खिलाने पर विचार कर सकती है, क्योंकि दोस्तों अब एक और हार टीम के मनोबल को कम कर सकती है। ऐसे में पीबीकेएस टीम की निगाहें इस मैच में जीत पर होंगी। बल्लेबाजों को मिलकर अच्छा खेल दिखाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।